आजकल जिस तरह का पैटर्न चेंज हुआ है कार्डियक अरेस्ट का, सीधे डेथ हो जाता है, किनको डरना चाहिए और किनको नहीं डरना चाहिए? सबको डरना चाहिए, सबको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आजकल स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हो गया, उस स्ट्रेस के लिए हार्ट अटैक बहुत इवन यंग एज में होता है। कोरोना के बाद में इन पिछले 2 सालों में जो बड़े बड़े लोग गए हैं, जो सेलिब्रिटी थे, जिनके पास सब कुछ था, बड़े अच्छे फिटनेस था, और अचानक जो है कार्डियक की शिकायत ने अरेस्ट हुआ और वो खत्म हार्ट फेल हो गया। कोरोना ऐसा एक बीमारी है, वो छोटा छोटा आर्टरी को पूरा बंद कर दे, खून का नया वेसल को, तो इसलिए वो लोग को पता नहीं रहता है सडनली हार्ट अटैक हो गया, फिर खत्म हो गया। आप एज ए डॉक्टर सर, आपका एक लंबा ए है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब आप अगर ठीक है कार्डियक पेशेंट नहीं है लेकिन कोरोना में आप प्रभावित हुए हैं, तो क्या कौन सा जाकर टेस्ट कराना चाहिए, क्या बात करना चाहिए? मान लो यहाँ पर चलते फिरते किसी को अगर कहीं भी सर अगर इमरजेंसी में अगर चेस्ट हार्ट अटैक आता है, तो क्या आप लोग कुछ ऐसा दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं घर में, भैया ऐसा कुछ हो तो तुम ये दवाई रखो दो और डॉक्टर के पास जाओ जो तुम्हारा जान बचा सकता है, क्या कुछ इस तरह के फार्मूले हैं? इंटरनेट पर बहुत कुछ आता है कि भाई ये दवाई रख लो आपका जान बचा देगा अगर आपके पास हार्ट अटैक आता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है, और इसके साथ हेल्थ संवाद में जहाँ भी आप देख रहे हैं दोनों में आपका स्वागत है, और हमारे साथ शहर और झारखंड और जाने माने जो ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर इनके साथ जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सर का लंबा एक्सपीरियंस है, सर खुद का भी अपना क्लिनिक और हॉस्पिटल्स जिस पर चलाते हैं, तो सर से हम बात करेंगे कि जो एक लंबा अनुभव है खासकर कार्डियक के क्षेत्र में, और आजकल आप देख रहे हैं कि कार्डियक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इससे प्रभावित नहीं है या डरा नहीं हुआ है, जिस तरह से कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, तो सर सबसे पहले बातचीत करने के लिए स्वागत है, और मेरा सवाल वहीं से सर, आजकल जिस तरह का पैटर्न चेंज हुआ है कार्डियक अरेस्ट का, सीधे डेथ हो जाता है, किनको डरना चाहिए और किनको नहीं डरना चाहिए? यही बारे में सबको डरना चाहिए, सबको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आजकल स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हो गया, उस स्ट्रेस के लिए हार्ट अटैक बहुत इवन यंग एज में होता है। सेकंड चीज़, हम लोग अभी इतना सारी क्या चलने का कोई चांस ही नहीं, सब लोग गाड़ी मोटर में चलते रहते हैं। पहले ज़माने में लोग चलते थे, एक्सरसाइज होता था, वो सब एक्सरसाइज खत्म, और उसके बाद जो बीड़ी सिगरेट गुड़ाकू खैनी ये सब जो सब लेते हैं टुबाको यूज़, और अपना काम का प्रेशर इतना रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और उसके पास टाइम भी नहीं कि वो जाके डॉक्टर के पास चेकअप कराए। शुगर और प्रेशर ये भी और एक कारण है उसका, जबकि काम में इतना बिजी रहता है उसको खाने पीने का समय नहीं, तो इसलिए बाहर में जो भी मिला जंक फूड खाते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद जब शादी हो गया, लोग चाहते हैं ज़्यादा कमाने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करेंगे, तो हस्बैंड अपने नौकरी, वाइफ अपने जगह में, बच्चे लोग का देखभाल मेड सर्वेंट लोग करते रहते हैं, बच्चे लोग का पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म, उसके लिए वो भी टेंशन हुआ, ये सब मिलाते हुए टेंशन होते हुए यंग एज में, और यंग लोगों को बहुत सारे हार्ट अटैक होता है, और ये बढ़ते रहते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि आपने जो कहा कि भाई मेंटल स्ट्रेस है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सब कुछ है, लेकिन अभी कोरोना के बाद में इन पिछले 2 सालों में जो बड़े बड़े लोग गए हैं, जो सेलिब्रिटी थे, जिनके पास सब कुछ था, बड़े अच्छे फिटनेस था, और अचानक जो है कार्डियक की शिकायत ने अरेस्ट हुआ और वो खत्म हार्ट फेल हो गया, तो उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं सर? इसलिए आप लोगों को इस पर चर्चा भी कोरोना के बाद क्या हुआ, कोरोना ऐसा एक बीमारी है, वो छोटा छोटा आर्टरी को पूरा बंद कर दे, खून का नया वेसल को, तो इसलिए वो लोग को पता नहीं रहता है सडनली हार्ट अटैक हो गया, फिर खत्म हो गया। ये कोरोना के लिए ये उससे बचाव कैसे करें, क्या चेकअप करा के किस हर किसी को क्या कराना चाहिए? देखिए, जिन लोग को अटैक में डेथ हुआ उन लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिम्टम रहता है, कि जो लोग अवॉइड करना चाहते हैं वो लोग बोलते हैं कि मेरा ये पेन नहीं, मेरा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, मेरा कुछ नहीं होता है। कोई डॉक्टर को जाके दिखाया, देखिए कोई आदमी दिखाया नहीं, इंक्लूडिंग आपका ये जो ये सौरभ गांगुली, वो भी नहीं दिखाया था, इसलिए सर देखे कि पूरा का पूरा सॉल खून का नली बंद, यही वही बात। तो आप एज ए डॉक्टर सर, आपका एक लंबा ए है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब आप अगर ठीक है कार्डियक पेशेंट नहीं है लेकिन कोरोना में आप प्रभावित हुए हैं, तो क्या कौन सा जाकर टेस्ट कराना चाहिए, क्या बात करना चाहिए? नहीं, आफ्टर द एज ऑफ 45 हर साल में एक बार एटलीस्ट एक डॉक्टर के पास कंसल्टेशन ले लेना, एक तो ECG करा लेना। आफ्टर द एज ऑफ 50 एक तो ट्रेडमिल एक्सरसाइज डेफिनेटली करना है ECG के साथ साथ, कोई भी सिम्टम हो कार्डियोलॉजिस्ट से जाके मिलना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि चेस्ट पेन होता है, हम जाते हैं डॉक्टर ECG कर देता है, बोला सब कुछ नॉर्मल है, क्या उतना काफ़ी है
कि और कुछ होना चाहिए था? नहीं, अगर बहुत टाइम में क्या होता है कि ECG में 50% मैक्सिमम डायग्नोसिस हो पाता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर पेशेंट का सिम्टम है तो रेगुलर फिजिशियन के पास नहीं जाकर हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, वो समझ जाएगा कि आपका सिम्टम्स के अनुसार क्या क्या टेस्ट करना चाहिए। मैं एक सवाल में सर, मान लो यहाँ पर चलते फिरते किसी को अगर कहीं भी सर अगर इमरजेंसी में अगर चेस्ट हार्ट अटैक आता है, तो क्या आप लोग कुछ ऐसा दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं घर में, भैया ऐसा कुछ हो तो तुम ये दवाई रखो दो और डॉक्टर के पास जाओ जो तुम्हारा जान बचा सकता है, क्या कुछ इस तरह के फार्मूले हैं? इंटरनेट पर बहुत कुछ आता है कि भाई ये दवाई रख लो आपका जान बचा देगा अगर आपके पास हार्ट अटैक आता है। जान बचाने वाला कोई भी दवाई नहीं है कि जो कर देगा, बट हाँ लोग एस्पिरिन टैबलेट खाते हैं कभी कभी, सर्विटेट टैबलेट जीप के नीचे रख के देखते हैं कि जब पेन हुआ तो सर्विटेट जीप टैबलेट लेके रखते हैं तो उसमें पेन कम हो जाता है, मे बी, बट वी डोंट एडवाइज इट दैट वे। अच्छा, तो धन्यवाद सर को, सर ने जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया, खासकर सर एक लंबा केस स्टडी है, लोग शहर के तमाम लोग जो है जाते हैं कार्डियक से हेल्प लेते हैं, तो इसलिए आपको भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं ताकि हम उन सवालों का जवाब फिर से ले सकें। अपने सहयोगी श्री सामृति के साथ शशि भूषण, हेल्थ संवाद और सोशल संवाद देखने के लिए धन्यवाद।